हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। 3D आर्ट रांची के यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार वीडियो थोड़ा लेट से पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए आज हम लोग आपको दिखाएंगे फैब्रिक बोर्ड को खोलते हुए, डिस्कम्पोज करते हुए। तो ये है फैब्रिक बोर्ड, इसका मैं कुछ प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे लोगो वगैरह है और यहाँ पे कुछ आइटम कैप्सिकम बना हुआ है, पिज्जा बना हुआ है। देखिए लाइट ऑफ करके दिखाते हैं, चालू बोर्ड है, इसको खोल के देखेंगे आखिर इस बोर्ड के अंदर में रहता क्या क्या है। इस तरह का बोर्ड आप देखते होंगे KFC वगैरह में लगा रहता है, डोमिनोज के अंदर में लगा रहता है, तो मन में ये सवाल तो आता होगा कि इसके अंदर में आखिर लगता क्या है, किस तरह से ये काम करता है। लाइट जलता बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके कॉर्नर पे देखेंगे, इसका जो प्रिंट है वो किनारे पे फंसा हुआ रहता है, उसको यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरफ से निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो दूसरी तरफ से देखते हैं, राइट साइड के ये कॉर्नर पे यहाँ से निकाल लेते हैं। ये फैब्रिक बोर्ड में, जैसा कि नाम है फैब्रिक, ये फैब्रिक कपड़े में प्रिंट किया हुआ रहता है और इसका प्रिंट का क्वालिटी इतना ज़बरदस्त आता है क्योंकि ये HP लेटेक्स का प्रिंटर जो होता है ये उसी में प्रिंट किया हुआ है। HP लेटेक्स का प्रिंटर में ये प्रिंट किया जाता है, हाई डेफिनेशन प्रिंटर होता है, HD प्रिंटर होता है, जिसको बोल सकते हैं आप 3D लुक आता है इसमें। तो ये देखिए आप साइड से इस तरह से मैं इसको हटा रहा हूँ। आज आपको बनाते हुए नहीं, आज आपको बोर्ड को खोल के दिखाता हूँ इस बोर्ड के अंदर में क्या क्या लगता है। आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाइएगा क्या क्या चीज़ लगता है तो क्या क्या चीज़ से बनता है। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर मेरी पसंद आई तो लाइक कर देंगे, मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह का वीडियो मैं रेगुलर डालते रहता हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, अगर हो सके तो शेयर भी करें। देखिए ये साइड में जो है वो सिलिकॉन पेस्ट किया हुआ, मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगा। साइड साइड में सिलिकॉन पेस्ट किया हुआ है फैब्रिक के अंदर तरफ किनारे पे, उसको देखिए इसको इस तरह से खींचते हैं। बॉन्ड के मदद से ये पेस्ट किया हुआ था लेकिन पेस्टिंग से आराम से छोड़ देता है अगर निकालना चाहें तो, लगने के बाद तो नहीं। देखिए ये साइड में जो है ना, इस सेक्शन में इसका एक घाट बना हुआ है, उस साइज का बना हुआ है जिसमें ये सिलिकॉन जा कर के फिक्स हो जाता है। इसी तरह देखिए सब तरफ से ये सिलिकॉन पेस्ट किया हुआ है चारों तरफ से। ये प्रिंट हो गया, HP लेटेक्स का प्रिंट है, फैब्रिक में किया हुआ है, इसमें सिलिकॉन लगा हुआ है। चलिए अब इस फैब्रिक को यहाँ से हटा देते हैं साइड में। अब आते हैं इस वाले बॉक्स पे। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे LED लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप लाइट भी बोलते हैं, पट्टी वाले LED बोलते हैं, और ये एक पावर सप्लाई लगा हुआ है जो इस सारे LED को ऑपरेट कर रहा है। पावर सप्लाई आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई लगा हुआ है, DC 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तरफ से इसमें मेन लाइन डालने का, इधर से DC निकलता है। यहाँ पर मेन लाइन है जिसको हम लोग डायरेक्ट प्लग में लगाते हैं, ये मेन लाइन का है, और यहाँ पर से DC निकलता है जो बाकी सारे LED को जलाता है। ये बेसिकली एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। अभी इसमें एक बार फिर से लाइट लगाते हैं, देखिए इसका लाइट इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है कि सारे एरिया को कवर कर लेगा, और वो इससे बाहर निकलता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, चूँकि प्रिंट भी बहुत अच्छा है। इतना एरिया में लाइट लगाने के बाद उस प्रिंट से बहुत ही अच्छा रोशनी आता है। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम लोग इसको लाइट फिट करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से साइड में एक क्लिप लगा हुआ है, L क्लिप लगा हुआ है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे L क्लिप लगा हुआ है, तो इस L क्लिप को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं।
आज इस बोर्ड को हम लोग पूरा खोल के देखेंगे कैसे कैसे फिटिंग होता है, क्या क्या चीज़ इसमें रहता है। इस तरह का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर कभी इस तरह का रिपेयरिंग का काम आए तो उसको रिपेयर करने में आसानी हो। ज़रूरी तो नहीं कि जो बोर्ड हम लोग बनाए हैं सिर्फ उसी का ही काम हो। कभी कभी ऐसा केस भी सामने आ जाता है कि बोर्ड कहीं और का बना हुआ है लेकिन रिपेयर करना है। तो अगर फैब्रिक बोर्ड कभी आप नहीं बनाए हैं और रिपेयरिंग का काम आ जाए तो आप इसको रिपेयर करने के लिए इस तरह से इस वीडियो को देख करके आप इसका प्रोसेस जान सकते हैं कि किस तरह से ये खुलता है और इसके अंदर में क्या क्या सामान लगता है, कैसे इसको फिर से हम लोग रीअसेंबल कर सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका क्लिप पहले खोल लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है पर पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। इस तरह का पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करें। एक कॉर्नर अभी हम खोले, इसी तरह ये चारों तरफ से बंधा हुआ है। अभी आपको हम एक साइड का पूरा खोल करके दिखाते हैं। ये एक साइड से मैंने खोला, ये दूसरे तरफ में मैंने वही एल क्लिप को खोल देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल रहे हैं। आप चाहे तो अगर ड्रिल से है रिवर्स ड्रिल से भी खोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है तो ये स्क्रू ड्राइवर से ही खुलेगा, हैंड ड्रिल से रिवर्स ड्रिल से नहीं खुलेगा। और हो सकता है फ्रेंड आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा पास में लगा करके ही वीडियो बना रहे हैं तो आवाज़ के साथ में हो सकता है कि हवा का आवाज़ भी आ रहा हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा पोस्ट करने से पहले इस आवाज़ को थोड़ा सा नॉइज़ को रिड्यूस कर दूँ। तो आज हम लोग फैब्रिक बोर्ड को खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या सामान होता है और किस तरह से ये काम करता है। अगर चाहे तो आप इसको नया भी बना सकते हैं, हमको कमेंट करें, हम बता देंगे इसका पार्ट्स वगैरह कहाँ मिलेगा और क्या इसका कॉस्टिंग आती है, बनाने में क्या स्क्वायर फीट इसका खर्च आएगा और क्या स्क्वायर फीट में आप इसको बेच सकते हैं। इसके लिए भी आप हमको कमेंट करें तो हम इसका रेट वगैरह आपको सारा चीज़ डिटेल में बता देंगे, क्योंकि वीडियो पे सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। हर किसी को इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरटेन के लिए ही वीडियो देखते हैं। देखिए ये दोनों तरफ से कैसे इसका पीछे में भी क्लिप लगा हुआ है, जिस तरह आगे क्लिप लगा हुआ है उसके पीछे तरफ भी क्लिप लगा ताकि बोर्ड में मजबूती से पकड़ बनी रहे। और इसका क्लिप को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खोलेंगे। चार चार स्क्रू से ये टाइट किया हुआ है। ये अभी लेटेस्ट में है बोर्ड, फैब्रिक बोर्ड। ये बाज़ार में बहुत अभी चल रहा है, इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त दिखता है। रेस्टोरेंट वगैरह में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये ज्वेलर्स की दुकान में देखने को मिलेंगे, ये आपको मोबाइल के शोरूम में देखने को मिलेगा और आपको बेकरी वगैरह कॉन्फेक्शनरी के आइटम वाले दुकान में मिलेंगे या फिर किसी दुकान में गिफ्ट वगैरह जो मिलता है सर्टिफिकेट वगैरह तो ये बोर्ड बना करके मिलता है। खैर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको खोल करके कि किस तरह से ये फिटिंग किया हुआ है और हम लोग किस तरह से रिपेयर करना हो तो किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट आपको खोल करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये जो है स्क्रू थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट है, अच्छे से टाइट किया हुआ है। और ये जो बोर्ड का साइज है ये है 2 फीट बाय 1 फीट, 2 फीट बाय 1 फीट का ये बोर्ड है। चारों तरफ से क्लिप से टाइट किया हुआ है। वीडियो अगर लंबा बन जाएगा तो बहुत लंबा हम ये बनाएंगे नहीं इसको वीडियो। पीछे में एसीपी का ये बेस बना हुआ है, वो भी स्क्रू से टाइट किया हुआ है। इसको नहीं खोलेंगे हम, सिर्फ कॉर्नर वाला जो है सेक्शन खोल करके आपको दिखाते हैं कि ये सेक्शन किस तरह का है। अगर आपको सेक्शन को लेना है मार्केट से जा करके तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा किस तरह का सेक्शन आपको लेने से काम चलेगा, इसलिए एक साइड का सेक्शन को खोलना ज़रूरी है। एसीपी पीछे का सपोर्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोग लाइट फिट करें। एसीपी की जगह आप कार्डबोर्ड भी दे सकते हैं, वो दिखता तो है नहीं,
पीछे चला जाता है। आपको सिर्फ हम सेक्शन खोल करके दिखा रहे हैं ये सेक्शन किस तरह से दिखता है। बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट किया हुआ दोनों क्लिप से ये फंसा हुआ है। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये है अल्मीनियम का सेक्शन। इसी सेक्शन से चारों तरफ से इसको बनाया गया है। अभी आपको और डिटेल दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस तरह का पोस्ट डालता ही रहता हूँ। ये पतला क्लिप है जो ऊपर की तरफ में लगा हुआ था और मोटा क्लिप है जो नीचे की तरफ में लगा हुआ है। देखिए ये है सेक्शन। इस तरह का सेक्शन अगर आपको मार्केट में लेना होगा तो आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए किस तरह का ये सेक्शन है। इस तरह का ये सेक्शन है जिसमें आपका फैब्रिक बोर्ड बन के तैयार होता है। और ये सेक्शन जो है ये 12 फीट का आता है। कभी कभी ये 16 फीट का भी आता है। या तो 12 फीट का या 16 फीट का मिलता है। और ये आपको एल्युमिनियम के दुकान में मिल जाएगा। एल्युमिनियम सेक्शन के दुकान में इसको 45 डिग्री में काटा गया है ताकि सब चारों तरफ से ये बॉक्स बनाया जा सके। और ये क्लिप की मदद से इसको टाइट किया जाता है। बस देखना यही है कि 45 डिग्री जो है वो सही तरीके से कटे ताकि कॉर्नर आपस में अच्छी तरीके से मैच कर जाए। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि फैब्रिक ऊपर से प्रिंट किया हुआ है, उसके में सिलिकॉन लगा के उसको टाइट किया हुआ है। फैब्रिक को हटाने के बाद में अंदर का लाइट मैंने दिखाया, कौन सा लाइट मैंने यूज़ किया हुआ है। पावर सप्लाई मैंने दिखाया, पावर सप्लाई अंदर ही डाल दिए ताकि कस्टमर को जब दें तो वो सिर्फ मेन लाइन में उसको इनपुट दे दें और बोर्ड अच्छी तरीके से वर्क करें। अगर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई अगर हम लोग बाहर देंगे तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कस्टमर को और वो मेन लाइन में उसमें डाल देते हैं तो बोर्ड तुरंत ही ख़राब हो जाता है। इसलिए छोटा बोर्ड है जिसके अंदर में पावर सप्लाई छोटा सा अंदर में ही डाल दिए हैं। तो पावर सप्लाई मैंने दिखा दिया, लाइट दिखा दिया, पीछे का बेस दिखा दिया कि ACP लगा हुआ है। चारों तरफ से ये इस एल्युमिनियम से कवर किया हुआ है और एल्युमिनियम में ये क्लिप से एक दूसरे को कसा हुआ है। ये एल्युमिनियम का जो फ्रेम है इसको आप चारों तरफ से देखिए। तो यही है फैब्रिक बोर्ड। फैब्रिक बोर्ड में ये ACP पीछे से लगा हुआ है। 2x1 का साइज है तो 2x1 का ACP लगा हुआ है। अंदर में आपका ये स्ट्रिप वाला लाइट लगा हुआ है जिसको कनेक्शन एक दूसरे से देख करके इस पावर सप्लाई से देते हुए उसका मेन लाइन से मेन लाइन में से लाइन देते हैं तो ये जल जाता है। और ये एक फैब्रिक का प्रिंट होता है जो ऊपर से सिलिकॉन के सहारे से इसका में टाइट हो जाता है। ये सिलिकॉन वाला इसमें जो सेक्शन में घाट बना हुआ है उसके अंदर में जा करके ये फिक्स हो जाता है, टाइट हो जाता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।